हेलो रिवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमें इंतज़ार था कि सीटेट का एडमिट कार्ड कब आएगा, सीटेट का एडमिट कार्ड आ भी गया है और सभी लोगों का अपना एग्ज़ाम सेंटर भी पता चल गया होगा कि किस किस ज़िले में आपका सेंटर है और डेट भी पता चल गई होगी कि किस डेट में आपका पेपर है। और अब जो भी एडमिट कार्ड, जो भी शेष जानकारी बची है, वो दो दिन पहले आपके एडमिट कार्ड में सब शो करने लगेगा। तो आपको अपने एडमिट कार्ड को दो दिन पहले प्रिंट कराना है जब आप पेपर देने जाएंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, उम्मीद करिए कि सीटेट आपका पेपर अच्छा ही होगा। तो हम लोग सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जूनियर लेवल पे, और जूनियर में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्राइमरी का लेवल अलग होता है, जूनियर का लेवल अलग होता है। तो जूनियर में बहुत सारे खास क्वेश्चंस हैं जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। सभी लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ेंगे क्योंकि जूनियर का लेवल वाकई में बहुत बेहतरीन है। ऐसा लेवल है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं कि इस लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूनियर लेवल के प्रश्नों को और देखिएगा कितने बेहतरीन प्रश्न आज पूछे गए हैं। आइए, पहला प्रश्न आपका है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। सबसे पहली बात हमसे जो बोला, जैसा जैसा बोलेगा हम वैसा वैसा प्रोसेस करेंगे। उसने सबसे पहले बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, दूसरा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक आधार होता है और एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। ये ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। अब हमसे कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर भुजा और दूसरी 17 सेंटीमीटर की है। हमने कह दिया ये वाली 15 सेंटीमीटर की है और ये वाली 17 सेंटीमीटर की है। निम्न में से तीसरी भुजा कौन सी है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? अब आपको ये बताना है कि तीसरी भुजा कौन सी है। और हमने आपको हमेशा एक बात बताया, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो वो ट्रिपलेट जरूर होगा। समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट जरूर होगा। ट्रिपलेट क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। तो 15, 8, 17 ये ट्रिपलेट है। 15, 8 का जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है? 17 होता है। तो 15 अगर हमारा लंब है तो 8 हमारा आधार होगा और 17 हमारा कर्ण होगा और ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, होता क्या है? आधार का स्क्वायर मीन्स 225 प्लस लंब का स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 289। देखो इसको आप ऐड करोगे तो ये भी 289 आएगा और इक्वल टू में भी 289 आएगा। जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो तो ये हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट होगा तब हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो आप भैया तीसरी भुजा जो पता किया आपने वो क्या पता किया है? 8 सेंटीमीटर, यही तो आपकी तीसरी भुजा आई है। तो आइए अब आंसर देखते हैं। पहला वाला कह रहा 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यह 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर के बीच में है, यह भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है, यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है, तो सी वाला तो सही है, यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। तो ऑप्शन में कहीं सी नहीं दिया हमें लगता है ना, एक ऑप्शन कम दे रहा है। देखिए हमारा जो आंसर आया है वो आया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर अगर हमारी तीसरी भुजा आई है तो पहला ऑप्शन कह रहा है 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है। तो 8 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, बीच में तो आ नहीं सकता 4 और 7 के, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 20 तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में है, यह 20 तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में ऐसा नहीं है। 8 सेंटीमीटर तो 20 और 23 के बीच में हो ही नहीं सकता, यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। तो आपका आंसर होगा केवल सी। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, अगर ये यहां पे देता कि 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर के बीच में है तो हम कहते हैं ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसने कहा 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये ऑप्शन गलत है और हमारा आंसर क्योंकि 8 सेंटीमीटर आया है तीसरी भुजा। आइए
फिर से बहुत अच्छा प्रश्न, और सीटेट इस प्रश्न को बहुत बार पूछ चुका है आपके पेपर में, एक बार नहीं 10 बार। ये इतना इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पेपर के लिए, क्योंकि ये 10 बार पूछा गया तो फिर से पूछा जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को खासकर विशेषकर आप एक नोट में अलग से लिख लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ऐसा प्रश्न पूछा गया नहीं पूछा गया। कह रहा यदि किसी त्रिभुज का कोई त्रिभुज ले लो आप, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, हमने ये एक त्रिभुज ले लिया। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है, हमने कहा ये त्रिभुज हमारा एबीसी है, हमने एक त्रिभुज एबीसी ले लिया। फिर कह रहा है इसका एक कोण 110 डिग्री है, ये वाला कोण हमने कह दिया 110 डिग्री है, ठीक है, तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, इसके अन्य दो कोण के समद्विभाजक कर दो, मीन्स उसका अर्धक कर दो। समद्विभाजक के बीच बना कोण, मीन्स यहाँ पे बना कोण क्या होगा, हमने इसको कह दिया ओ है। जो कोण पूछ रहा है इसको आप कह दो ये थीटा है, ठीक है, बात को समझते चलो। उसने कहा किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है, हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, एक त्रिभुज बना दिया, इसका एक कोण 110 डिग्री दे दिया। उसने कहा तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक इस बिंदु पर मिलते हैं, ठीक। समद्विभाजक के बीच बना कोण, इस कोण को हमसे पूछ रहा समद्विभाजक के बना बीच में कोण। तो भैया इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण ए बाई टू, थीटा इक्वल टू 90 प्लस कोण ए बाई टू। तो इसके लिए आप 90 प्लस 100 कोण ए का मान रख दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 55, तो 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा भैया 145। बताइए कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कोई डाउट है? अब बहुत सारे बच्चे एक मन में एक बात सोच रहे होंगे कि सर जी ये फार्मूला आपने कल की क्लास में अंतः कोणों के लिए लगाया था, जहाँ पे अंतः कोणों का योगफल दिया जाए तो आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो बेटा जब भी आपको अंतः कोण कहेगा तब भी आप इसी फार्मूले को लगाइएगा, अंतः कोण, अंतः कोण का मान क्या होगा, अंतः कोण का मान क्या होगा, तो थीटा बराबर 90 प्लस कोण ए बाई टू, इसी फार्मूले को लगाते हैं, ये सेम फार्मूला दोनों जगह लगता है, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन। तो अंतः कोण कहेगा तब भी आप यही लगाएंगे, जब लंब केंद्र कहेगा तो आप लगाएंगे 180 माइनस कोण ए, जब आपका क्वेश्चन कहेगा लंब केंद्र तब आप क्या लगाएंगे, लंब केंद्र थीटा बराबर 180 माइनस कोण ए। जब आपका क्वेश्चन कहेगा परिकेंद्र, ऐसे क्वेश्चन आपको बोलेगा तो आप लगाएंगे थीटा बराबर 2 कोण ए, ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जूनियर लेवल का पेपर देना चाहते हैं मैथ का, मतलब सीटेट का जूनियर लेवल जो भी देंगे, मैथ के ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इससे कम क्वेश्चंस का लेवल नहीं होगा, इससे थोड़ा सा बढ़ के ही आ सकता है लेकिन डाउन नहीं होगा, क्योंकि सीटेट का पेपर है और सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपरों का लेवल थोड़ा अच्छा होता है यूपी गवर्नमेंट से। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। कह रहा है ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए चार अंकीय संख्या 547A 3 से विभाज्य है का योग क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य होती है, जिन संख्याओं का योग किया जाए, किसी संख्या का योग किया जाए अगर उसका योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से जरूर विभाज्य होगा। जैसे हमने एक संख्या छोटी सी आपके सामने ली, हमने कहा कि संख्या जो है 24, ये 3 से विभाज्य है नहीं विभाज्य, बहुत सारे बच्चे कहेंगे विभाज्य क्योंकि 3 और 8 24 है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्या के अंकों को जोड़ेंगे 4 2 6 और 3 से विभाज्य करके देखेंगे 3 2 6, जब पूरा पूरा संख्या कट जाएगी तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये 3 का नियम कहता है, ये विभाज्यता का नियम है कि सबसे पहले आप संख्याओं का योग करिए, योग करने के बाद जो योग आए अगर वह 3 से पूरा पूरा विभाजित है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आपका प्रश्न कह रहा है ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए चार अंकीय संख्या, एक उन्होंने चार अंकीय संख्या दी है 547A, कह रहा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो उनका योग क्या होगा, उनके संभावित मानों का योग क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं।
आप सबसे पहले इनको जोड़िए, 5 4 9 और 9 7 16, 16 + a / 3। तो सबसे पहले आप a का कोई ऐसा मान रखिए कि उनको जोड़ने पर जो मान आए, 16 और a को जब जोड़ा जाए, a का मान आपको अपने मन से रखना है, 16 के साथ a का कोई ऐसा मान रखिए कि उसको जोड़ा जाए तो वो 3 से विभाज्य हो, तब आप a का मान कितना रख दोगे, कहोगे a बराबर 5। जब a बराबर आप 5 रखोगे तो 16 और 5 21, 21 आ जाएगा तो 21 क्या हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21। अब आपसे पूछा जाए कि दूसरा मान आप क्या रखोगे एक जगह पे, अब अगर हम दूसरी वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम रखेंगे a बराबर 8, a बराबर 8 रखेंगे तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, देखो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कहें कि अब और कोई मान ऐसा जो रखा जाए तो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर जी 5 रख लिया गया तो 21 बना, 6 रखेंगे तो 22 बनेगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 रखेंगे तो 23 बनेगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, और 8 रखेंगे तो 24, 3 से डिवाइड होगा, 9 रखेंगे तो कितना बनेगा, 16 9 25, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब और नीचे आओ, 1 रखोगे तो 17, 2 रखोगे तो 18, देखो अब एक और मिला, ऐसे चेक करना होता है, 16 + a / 3। अब अगर a बराबर 2 रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 18 / 3, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब कोई भी मान नहीं रखा जा सकता, तो आपने a के कितने मान रखने, उसने कहा है कि a के उन सभी संभावित मानों, मीन्स मान की संभावना जो भी है, तो हमने मान पुट करके देख लिया, इन्हीं का योग पूछा है आपसे, तो 5 + 8 + 2 इनका योग कितना हो जाएगा, 15। बताइए कोई परेशानी, ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके चेक करना होगा, बिना चेक करे आप इसका आंसर नहीं दे सकते। ये बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे बढ़ाया जाए, सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। सीटेट वाले बच्चे वैसे इतने निष्क्रिय हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, पेपर को बहुत सरल समझ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आएगा। आइए एक फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चलिए समझिएगा। कह रहा, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, यदि छोटे त्रिभुज की परिमाप इतनी है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है, ठीक है कोई बात नहीं। अब समझना, दो समबाहु त्रिभुज हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया और ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, हमने कहा इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, तो A1 / A2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर A2 का स्क्वायर, √3/4 से √3/4 कट जाएगा। A1 और A2 का रेशियो, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, 16:9, 16/9 रख दीजिए, = A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर, तो ये A1 / A2 कितना आ जाएगा, A1 / A2 कितना आ जाएगा, 4/3। बताओ कोई परेशानी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 16 का क्या आ जाएगा, 4, और इसका कितना आ जाएगा, 9। तो हम ये कह सकते हैं, एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जो हमने निकाल ली इसकी भुजाएं, तो इसकी भुजा कितनी आ गई है, 4, और इसकी भुजा कितनी आ गई, 3, तो इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 3 और इसकी भुजा 3। बात को बिल्कुल समझते जाना, ये हमने एक यूनिट निकाली है, ये एक हमने इसकी यूनिट निकाल ली। अब आपसे पूछा क्या कि इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना है, 63 सेंटीमीटर है, और इनकी भुजाओं में अंतर कितना है, इनकी भुजाओं में अंतर कितना, यही कहा है। बिल्कुल ध्यान, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं एक बात को, रुकिए नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे होगे, मैं समझ रहा हूँ आपको परेशानी आ रही है, आप एक बात को समझो, मैं बताता हूँ।
उसने दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात दिया। दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आप A1 और A2 मान लीजिए कि इनका क्षेत्रफल A1 और A2 है। इनका अनुपात आपको 16:9 दिया गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। हमने पहले वाले की भुजा को A1 मान लिया, दूसरे वाले भुजा को A2 मान लिया। √3/4 भुजा स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया गया 16:9 रख दिया। ये √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लगेगा। तो A1/A2 √16:9 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? 16:9 तक क्लियर है? बताओ, कोई परेशानी? यहां तक 16:9 तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे समझो, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो तो A1 और A2 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4/3। मींस इसकी जो भुजा आ रही है A1 की वो 4 आ रही है और A2 की जो आ रही है वो 3 आ रही है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? बताओ यहां तक की कोई परेशानी है, यहाँ तक की कोई समस्या नहीं ना? ठीक है। अब समझना, अगर हमें छोटी भुजा का परिमाप दिया है 63 सेंटीमीटर, छोटी भुजा का परिमाप कितना दिया गया है? 63 सेंटीमीटर। अब समझना, ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 3 है, इसका परिमाप दिया है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो 3x + 3x + 3x का जो मान दिया गया है वो 63 दिया गया। 3 × 3 = 6 × 9 9x का जो मान होगा वो 63 होगा। x का मान कितना हो जाएगा? 7 9 7 63। अगर इन दोनों की अंतर की बात की जाए, 4x और 3x, तो इनका अंतर कितना आएगा? x ही तो आएगा। तो x का मान कितना आ रहा? 7 सेंटीमीटर। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी आप अचानक से बीच में क्या कर दिए। देखो, आपको छोटे त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। कितना परिमाप? मीन्स होता है सभी भुजाओं का योग, यही तो दे रखा है ना। तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आई है? 3। जब छोटा त्रिभुज है तो उसकी भुजा भी छोटी होगी, बड़ा त्रिभुज है तो उसकी भुजा भी बड़ी होगी। तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी आई? 3x। तो 3x कितना हो गया? 9x। 9x का मान परिमाप है, भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। 9x का मान आपको 63 दिया, आपने x का मान कितना निकाल लिया? 7। बात क्लियर? अब आपसे कहा था बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज की भुजा में अंतर बताइए। तो जब 4x से 3x घटाओगे तो कितना आएगा? x ही तो आएगा। तो आपने x का मान तो निकाला है ना, यही तो उसका अंतर आ जाएगा। बताइए, कोई डाउट? अभी भी सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात इतनी और 6 वर्षों के पश्चात इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? वाह, हमने कहा एक धनराशि हमारे पास P है जो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 वर्षों में हो जाती है 4818। और यही धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 7227। अगर हम इसी चीज का परिवर्तन यहाँ से करें, इस जगह से, तो ये जो इतना परिवर्तन हुआ, 3 वर्ष बीते, यहाँ पे टोटल जो वर्ष बीते हैं कितने बीतते हैं? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष 3 वर्ष, तो ये भी तो 3 ही वर्ष होगा। जो यहाँ से यहाँ का परिवर्तन हुआ वो 3 वर्षों का है, और यहाँ से यहाँ का जो टोटल परिवर्तन है 6 वर्षों का है। तो बीच में जो ये परिवर्तन है ये 3 ही वर्ष तो है। देखो, टोटल 3 और 3 6 6 वर्ष तो आ गया ना, परिवर्तन आपका निकल आया। आपको मूलधन बताना है ना, मूलधन बताना है, ये वाला प्रिंसिपल बताना है आपको। कहा हुआ धनराशि क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका जो 3 वर्षों का परिवर्तन है ये है, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा, ये आपका अमाउंट बनेगा, बनेगा ना? बताइए, तो आप इसको लिख सकते हो 7227/4818। ठीक है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंस देखो, जब 4818 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 4818 में जब 7227/4818 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कितने वर्षों का है? 3 वर्षों का है। तो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो भैया ये प्रोसेस जो यहां से यहां तक हुआ है ये 3 वर्षों का प्रोसेस है, तो 4818 में जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, मिलेगा ना? तो 3 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ ये है, तो यहां पे भी तो 3 वर्षों का ही परिवर्तन है। तो यही परिवर्तन यहां पे करो, 7227
2727 बटे में 4818। पी में इसका गुणा कर दो और ये यहाँ से फाइंड आउट कर लो, मीन्स पी इंटू 7227 बटे में 4818 इक्वल टू 4818। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका प्रिंसिपल निकल आएगा क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 3212 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, आंसर मैंने बता दिया 3212 आएगा। बात क्लियर है? देखो जो परिवर्तन 3 वर्षों का यहीं पे है, वही परिवर्तन 3 वर्षों का यहाँ पे है। अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार जाके चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास हमारी वॉच कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक प्रश्न आ सकता है, हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास वॉच कर लो और बिल्कुल 100% समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, दिया गया किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप इतने डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सम उत्तल बहुभुज है, मीन्स सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, अंतः कोणों का योग बराबर, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, कोणों का योग बराबर n माइनस टू 180 बटे में n। n बराबर होता है भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करिए, आंसर आपका आ गया आपके सामने तुरंत। क्या है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 156 डिग्री, प्रत्येक अंतः कोण की माप 156 डिग्री इक्वल टू n माइनस टू 180 बटे में n। ये ठीक है, कोई परेशानी, ये कटेगा 6 दुनी 12, 6 छांग 36, ये कटेगा 6 त्रिक 18, ये कटेगा 13 दुना 26, ये कटेगा 15 दुना 30, कैंसिल आउट हो गया। अब गुणा कर लो, इसका n का गुणा इसमें कर दो तो ये 13n इक्वल टू 15 का इसमें गुणा कर दो तो 15n माइनस 15 दुना 30, 15 से 13 चला जाएगा, माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 30, ये कट जाएगा और ये कटेगा 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 15, यही आपसे पूछा है। तो सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योगफल होता है n माइनस टू 180 बटे n, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। बस आप फॉर्मूला याद रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को, ऐसे क्वेश्चन तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे लगता है आपको, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर देना है, तुरंत तुरंत पेपर में लगेंगे। और भैया इसको पढ़ के जरूर जाना, ये यूपी टेट और सी टेट के पसंदीदे कोर्स, मैं जो भी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल पसंदीदा प्रश्न है, जो वो बार बार रिपीट करेगा। हम वो सब नहीं पढ़ा रहे जो रिपीट ना करे, ये प्रश्न वो 100% रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। ठीक, सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज बनाइए, ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है और ये भुजा डी है, और ये इसकी ऊंचाई एच है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू एच। तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजाएं, ये आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, कहा किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है, इसकी असमांतर भुजाओं की योग का लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दो भुजाएं जो हैं इसकी असमांतर होती हैं, तो दो असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना दे दिया, 20 दे दिया। ठीक है, और परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो योग दिया है वो कितना दिया, 58 दिया। सी प्लस डी का मान अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ए प्लस बी प्लस 20 इक्वल टू 58, 20 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 58 से 20 चला जाएगा कितना आ जाएगा, 38। ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 38। अब आइए यहाँ पे आइए,
अब कहा इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर पुट कर दो, 1/2 ए प्लस बी का मान कितना आया है 38 और एच हमें निकालना है। देखो तुरंत कितना आसान हो गया, मतलब समय नहीं लगा, बस फार्मूला मुझे पता था, मैं उस क्वेश्चन को समझता गया, वो क्या क्या कह रहा मैं लिखता चला गया। देखो कैसे मैंने किया, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको, सिर्फ समझो और क्वेश्चन जैसा जैसा बोले वैसे वैसे लैंग्वेज पर उसके फार्मूले बनाते जाओ, लिखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहा किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है, मैंने तुरंत एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, उसकी भुजाओं को नाम दे दिया ABCD और इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसका परिमाप दिया है, परिमाप हमेशा कोई भी चीज हो, कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। परिमाप हमें दे दिया 58। आगे आओ, असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है, जो इसकी असमांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर दिया, C प्लस डी का मान हमें दे दिया था 20, हमने यहाँ पे 20 पुट कर दिया, A प्लस बी का मान निकाल लिया 38। यहाँ तक की बात क्लियर। फिर उसने कहा इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल की जगह पर 152 रख दिया, 1/2 है, A प्लस बी का मान आपने 38 निकाला था, ऊंचाई आपको निकालनी है, ये हमने इतना प्रोसेस कर लिया। अब इसको यहाँ से काट देंगे 19 दूना 38 और ये इससे 8 बार में कट जाएगा, तो एच का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बताओ कुछ करना रहा, इतना आसान प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे और बार बार आपके पेपर में आएंगे, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि कल की क्लास में भी एक ऐसा प्रश्न हमने लिया था, प्रीवियस ईयर पेपर का ही था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आना फिक्स है इनका, सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ये सीटेट है, यूपीटेट नहीं है, सीटेट में परिवर्तन होता है पेपरों में 100% होता है, अच्छे क्वेश्चन पूछेगा वो। आइए, किसी सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल इतना दिया गया। अब देखो किसी बहुभुज, अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट देखना, इससे पहले वाले में जो क्वेश्चन था वह था सम बहुभुज, सम लिखा हुआ था, और इस बार जो दिया है आपको वो सिर्फ बहुभुज लिखा है, दोनों में यही डिफरेंस है। अगर सम बहुभुज है तो फार्मूला कुछ और है, और बहुभुज है तो फार्मूला कुछ और है, सम बहुभुज का फार्मूला अलग था, अब बहुभुज है तो बहुभुज के अंतःकोण, इन दोनों की एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर, सभी अंतःकोणों का योग बराबर, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 180। जब सम बहुभुज लिखा हो तो उसके नीचे क्या आ जाता है, 2। फॉर्मूले में देखिएगा n-2 180/n, जब क्या लिखा हो सम बहुभुज, और जब सिर्फ बहुभुज लिखा हो, और जब सिर्फ क्या लिखा हो बहुभुज लिखा हो, तो फार्मूला क्या होता है n-2 180। ये डिफरेंस है छोटा सा, इसको हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो, कभी सम बहुभुज पूछता है कभी बहुभुज पूछता है, ठीक है। आओ, सम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल दिया गया है, मीन्स आपको इसका मान, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दिया गया 1440 इक्वल टू इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो n बराबर ही भुजाओं की संख्या होता है, n बराबर क्या होता है भुजाओं की संख्या, तो n-2 180, ये 0 से 0 कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा 6 * 3 = 18, 6 * 2 = 12 और 2 जाएगा 6 * 4 = 24, 3 * 8 = 24 कट गया, तो 8 = n-2, ये माइनस का 2 इधर प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 2 = n, तो n बराबर कितना आ जाएगा भैया 10, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सब सीटेट और टेट के बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते कितना पसंदीदा प्रश्न है ये, ये आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आप सीटेट और टेट का पेपर देते हो तो ये प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दो, ये प्राइमरी लेवल में सीटेट में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसानी से पूछा जा सकता है, क्योंकि टेट पूछता है इनको, कुछ नहीं सिर्फ फार्मूला याद रखना है, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, वाह ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिए समझिएगा इसको। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पहली लैंग्वेज समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे पहले देखो जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए होंगे वो पूर्ण वर्ग होंगे, ये 60 का स्क्वायर है ना, ये 30 का स्क्वायर है ना, और ये 40 का स्क्वायर है, और ये
50 का स्क्वायर है। सभी देखो पूर्ण वर्ग है, मीन्स सभी जो हैं किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। किसी ना किसी संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे कह रहा है ये संख्या जो है 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य है। ठीक है, एक ऐसी संख्या बतानी है जो 10, 12, 15 और 18 से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो। 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य हो तथा वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। बात समझते चलना। एक संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तथा वो 10, 12, 15 और 18 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक, अब समझिएगा। तो हमें जैसे ही 18 दिखता है हमारा दिमाग जाता है डिजिटल सम पर, 9 × 18। अगर कोई संख्या, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, आज 11वीं बार बोलने जा रहा हूँ, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से, तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी। जैसे कि हमने कहा 54 18 से डिवाइड है ना, 18 × 54, तो यह इसके फैक्टर से जरूर डिवाइड होगी। 9 × 18, 9 × 54 और 27 × 54, यह 3 × 18, तो देखो 3 से डिवाइड होगी, 18 × 54 और 9 × 54। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी। तो यहाँ पे जो हमारा 9 का नियम है ये क्या फॉलो करता है? डिजिटल सम। ये कहता है जहाँ पर संख्याओं का योग 9 होगा वो संख्या पूरा का पूरा हमसे डिवाइड होगी। डिजिटल सम कहता है कि जहाँ पर संख्याओं का योग 9 होगा वो संख्या हमसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। आइए संख्याओं को जोड़ते हैं और देखते हैं इसका योग कहाँ पे 9 है। तो 6 और 1 = 7 यहाँ पे नहीं है, 5 × 2 = 7 यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे देखो 9 + 0 = 0 = 9 ये भी डिवाइड है, 6 × 3 = 9 ये भी डिवाइड है। दो संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड है, क्योंकि उनका योग क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब बात समझना, नेक्स्ट बात, अब हम क्या कहने जा रहे हैं। उसने एक बात यहां पे लिखी, वह छोटी से छोटी संख्या। ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वो तो 900 ही है ना, और देखो इसकी संख्याओं का योग 9 भी आ रहा है। ये संख्या 18 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है और 10 से डिवाइड। हमने कैसे पता किया? डिजिटल सम 9 लगा के संख्याओं को जोड़ा, और जहां पर जोड़ने पर 9 आ जाए वो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो ये संख्या क्या है? डिवाइड है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 900। बहुत सारे बच्चे फिर से कह रहे हैं कि सजी 3600 क्यों नहीं है? बेटा 36 को जोड़ने पर तो 9 आ रहा है, मुझे पता है डिजिटल सम फॉलो कर रहा है, बट आप एक बात को और क्लियर करो ना इस वाली लैंग्वेज को। वह छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है? वो 900 है, तो 900 पे आंसर जाएगा, 3600 पे नहीं जाएगा। बताइए कोई डाउट है आपको? अब मैं बात करता हूं अगली क्लासेस की। अब क्योंकि कांस्टेबल और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, हम कल या परसों से आपको बताएंगे कि कांस्टेबल की तैयारी हम आपको कैसे कराएंगे और किस बेसिस पे कराएंगे, कैसे कैसे आपकी रणनीति रहेगी कांस्टेबल निकालने के लिए। ठीक है, तो कल हम बताएंगे आपको कांस्टेबल की तैयारी हम आपको कैसे देंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों तैयार कराएंगे, वो कैसे कराएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कांस्टेबल का बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा, उसको में जितना पढ़ाया जाएगा वो सब आपके पेपर में आएगा। तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।